Hello and welcome back once again to Steven Sir Makes It Easy, where me, Steven Sir, tries to make your life a little bit more simpler with concepts concerning accountancy and finance. Before I get started with the task for the day, very quickly, a few reminders. You can connect with us on our Facebook page, our Instagram ID, as well as the Twitter handle. And the most important one is the Telegram channel given above. If you have not installed Telegram on your mobile phone and you are a subscriber of the channel, it's my request, please get connected to the Telegram channel above, join it, so that this particular Telegram channel is used for official communication to inform you, to update you about the lectures that will be premiered the next day, as well as the most important thing, the PDF of the question and answer, whatever is coached and tutored on this particular platform will be shared at the end of that particular chapter, so that you can download it and use it for your future reference basis. Also, if you do intend to purchase the textbook from which the necessary questions are explained during the various lectures, the purchase link is provided in the description of every lecture. And most importantly, if you have missed out the past tense, that is the last lecture, there is an I button given above, please click it, watch that particular lecture, and then you can come here. Very importantly, at the end, is if you have not subscribed to our YouTube channel, please do make that a task for the day and subscribe to our channel, and together with that also press the bell icon so that Mr. YouTube notifies you about lectures which are uploaded on this particular platform. That's as far as the reminders are concerned. Let me get started with today's lecture. Hello and welcome back to Steven Sir Makes It Easy, जहाँ पे आज हम ledger के chapter को एक और problem के practice के साथ में थोड़े और आगे बढ़ाएंगे. What do I mean by आज के problem के साथ में? पीछे जो है पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज. नाउ हमने मल्टीपल क्वेश्चंस किए हैं, लेजर्स के अंदर जर्नल का होना बहुत बहुत ज़रूरी है. कभी वो रफली सॉल्व होगा, कभी वो फेयरवर्क में सॉल्व होगा, बट सॉल्व ज़रूर होगा, क्योंकि उसके बगैर डायरेक्टली लेजर करना थोड़ा रिस्की हो जाता है. तो मेरा आपसे तो यही रिक्वेस्ट होगा, लेजर मतलब जर्नल एंट्रीज पहले बना दीजिए. सो कहा है एज शो कैश अकाउंट ओनली, तो हमको बस एक ही लेजर बनाने का है, बट उसके पहले हमारे जर्नल एंट्रीज क्या होंगे. ओके, क्वेश्चन अगर आप गौर से देख लो, सेज मार्च एक तारीख को कैश बैलेंस था 10,000. अब बैलेंस इज नॉट अ लेन देन, कैश आया कैश गया, नहीं था. तो लेजर में ये बैलेंस आपको पहले से ही रखना पड़ता है, क्योंकि बैलेंस का मतलब वही था, पहले से ही था. तो ओनली क्वेश्चन इस समय डेबिट में लिखो कि क्रेडिट. अगर आप एसेट की बात कर रहे हो तो प्लीज़ डेबिट में लिखिए, क्योंकि एसेट का जो बैलेंस होता है पलड़ा डेबिट का भारी होता है. अगर आप एक्सपेंस की बात कर रहे हो तो भी डेबिट में लिखिए, क्योंकि कानून कहता है डेबिट दी एक्सपेंसेस एंड लॉसेस. आई रिपीट, अभी के लिए ज़्यादा डिटेल में नहीं जाते, कैश एसेट है तो ये बैलेंस की कोई एंट्री नहीं आएगी, बट डेफिनेटली इसका बैलेंस आएगा डेबिट साइड पे पहली तारीख को. फिर बॉट गुड्स, गुड्स आया पैसा गया. रिसीव फ्रॉम सुधीर, पैसा. पेड टू माधुरी, पैसा गया. कैश सेल्स, गुड्स गया पैसा आया. पेड रेंट. जर्नल एंट्रीज ये प्रॉब्लम में बहुत 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 सिंपल है, क्योंकि आपको एक सिंपल लेजर प्रिपेयर करना है जो है कैश अकाउंट. आप कह सकते हो इस कैश को रियल अकाउंट. द वेरी फर्स्ट थिंग, जो मेरी जर्नल एंट्री है वो 6 मार्च की है, विच इज परचेज टू कैश, बॉट गुड्स करके था, बीइंग गुड्स परचेस्ड फॉर कैश. अगर जर्नल एंट्री नहीं मांगा होता तो मैं यहाँ पे नरेशन भी नहीं लिखता, क्योंकि वैसे भी वो जर्नल एंट्री रफ वर्क का हिस्सा बन जाता. इसके बाद में नेक्स्ट, रिसीव्ड फ्रॉम सुधीर, अभी फूल गोभी थोड़ी मिलेगी, पैसे ही मिलेंगे.
कैश आया, डेबिट व्हाट कम्स इन टू सुधीर, ये सब इन मे बी 2 मिनट्स टाइम हमको, मुझे और आपको पोस्ट करना है। पेड टू माधुरी, आपने माधुरी को पैसे दिए तो पैसे चले गए, माधुरी बिकम्स डेबिट द रिसीवर। अगेन जहाँ पे भी कैश आएगा उसका पोस्टिंग, ये जो मेरे ऊपर अकाउंट है उसके अंदर कुछ 2 मिनट में हम कर देंगे। 12th को कैश सेल्स, गुड्स बेचे हैं, पैसा आपको मिला है तो बढ़िया बात है जी, पैसा मिला है तो मना क्यों करेंगे हम। कैश आया, गुड्स गया, मतलब सेल्स, ओके। इसके बाद हमारे लास्ट जर्नल एंट्री जो है पेड रेंट, आपने लैंडलॉर्ड को या किसी ना किसी को तो भाड़ा दिया है, उस लैंडलॉर्ड का नाम मेल फीमेल लिखने का कोई ज़रूरत नहीं। खर्चा रेंट है, रेंट अकाउंट डेबिट आना चाहिए एंड ऑब्वियसली पैसे जा रहे हैं तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ये सारे जर्नल एंट्रीज है, इसकी पोस्टिंग हम करेंगे, बट सबसे पहली बात कैश अकाउंट में डेबिट साइड पे आपका बैलेंस आना चाहिए। तो पहले तो मैं वो लिख देता हूँ, बैलेंस ब्रॉट डाउन 10,000 एक तारीख को, बैलेंस ब्रॉट डाउन 10,000। एक बार ये ओपनिंग बैलेंस, क्योंकि फर्स्ट डे का बैलेंस ओपनिंग होता है, लास्ट डे का बैलेंस क्लोजिंग, आपने लिख लिया, रिकॉर्ड कर लिया, नाउ यू गो अहेड विथ पोस्टिंग। पोस्टिंग का मतलब है एवरी जर्नल एंट्री दैट यू सी उसका या तो डेबिट या तो क्रेडिट। फर्स्ट टू कैश 6 तारीख को, टू कैश मतलब क्रेडिट साइड ऑफ कैश। सो इफ यू नोटिस ऑन द क्रेडिट साइड, बाय परचेज 2,500, 7 कैश डेबिट, इफ यू नोटिस ऑन द डेबिट साइड, टू सुधीर 3,000। व्हाट एम आई डूइंग, मैं पोस्टिंग कर रहा हूँ, जर्नल से लेजर, जर्नल से लेजर। टू कैश मतलब क्रेडिट, आप क्रेडिट में देख लीजिए जहाँ पे मेरा कर्सर पॉइंट कर रहा है, बाय माधुरी, एंड देन कैश डेबिट, आप डेबिट में देख लीजिए। देर आर ओनली टू चॉइसेस ऑफ पोस्टिंग, डेबिट क्रेडिट, टू बाय टू बाय। लास्टली टू कैश, आप क्रेडिट में देख लीजिए। पोस्टिंग इतना सिंपल होता है, पोस्टिंग में तकलीफ ही नहीं होती, क्योंकि पोस्टिंग में सोचना नहीं है, सोचना है जर्नल में। जर्नल में अगर गलती होती है तो वो गलती का वायरस ऑटोमेटिकली लेजर में आ जाता है, फिर कोई भी वैक्सीन मार लो कोई भी फायदा नहीं है, वो पूरी तरीके से फैल चुका है। अभी आप टोटल कर लीजिए दोनों साइड का, इस तरफ 20 उस तरफ 8,000। ऑब्वियसली डेबिट भारी है तो क्रेडिट में जो डिफरेंस आएगा वो है 12,000, जो अगले मंथ के बिगिनिंग में हो जाएगा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। व्हेनेवर आपको आपके एग्जामिनेशन में कोई भी एग्जाम होगा, लेजर के बेस क्वेश्चन आते हैं, तो क्लियर कर लीजिए कि कितने लेजर्स मुझको क्रिएट करने हैं, ओके। और उसके ही जर्नल एंट्रीज पे आपका ध्यान ज़्यादा होना चाहिए, ओके। आज के लिए आई होप ये समझ आ चुका है, कोई डाउट अभी भी हो तो कमेंट बॉक्स का यूज़ करें, अगर हमारे पुराने विद्यार्थी हो, दोस्त हो, शेयरिंग करते रहे। अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब बटन को दबा दीजिए, नोटिफिकेशन के आइकन को दबा दीजिए, और इसके अलावा अपना ख्याल रखिए, बड़ों का, छोटों का, परिवार वालों का, सबका ख्याल रखिए। गुड डे टू ऑल ऑफ यू, गॉड ब्लेस, बाय फॉर नाउ।